एवरीवन, वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत सही होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अपने घरों पर होंगे। तो गाइस, सब लोगों के लिए दुआ कीजिए जो भी इस पैंडमिक में सफ़र कर रहे हैं, जो लोग जो हॉस्पिटल में हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है, जिनके घर वाले चले गए हैं, उन सब के लिए आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए कि सब जल्दी से जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो लास्ट आई थिंक 3 डेज से हमारा कोई भी व्लॉग नहीं आया है, मतलब 3 दिन हो गए हैं कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो गाइस, द रीज़न बिहाइंड दिस, एक्चुअली मेरे मामा की डेथ हो गई थी 3 दिन पहले, तो उस वजह से सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, घर में भी सब लोग बहुत परेशान हैं, अभी भी हैं, बट अभी ये है कि थोड़ा सा रिकवर हो गए हैं। उनका सुनने के बाद, मामा के सुनने के बाद, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, घर में नानी है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और एक मेरे दूसरे मामा हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अचानक से उनकी डेथ हुई। मतलब वो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब थी या फिर वो कोविड पॉजिटिव ही नहीं थे, तो अचानक से उनकी डेथ हो गई है। मतलब मॉर्निंग में सब कुछ ठीक था, रात में उन्होंने फ़ोन भी किया, बात की, रात तक सब ठीक था, मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट किया और शॉप पे जाने लगे थे, तो अचानक से पता नहीं, मतलब डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि उनको साइलेंट अटैक आया था, हार्ट अटैक आया, तो मतलब चंद सेकेंड में ही क्या से क्या हो गया, तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और घर में वो छोटे थे, मेरी मम्मी से भी छोटे हैं, मतलब आई थिंक सबसे छोटे थे घर में, जो कज़न वगैरह हैं सब में, तो इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और हम भी वीडियो नहीं बना पाए, मैं वीडियो डाल भी नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं, जो चले गए वो अच्छी जगह हैं, हमसे तो अच्छी जगह है, हम सब यहाँ पे इस बीमारी से सब लड़ रहे हैं, तो जो होना था गाइस वो हो गया है, और शायद यही सब पहले से लिखा हुआ था कि ये होना था तो हो गया है, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनकी लाइफ तो चलती रहती है, तो हमें भी इस चीज़ से लड़ते रहना है, पता नहीं कब तक। और सो गाइस, प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए और जितना हो सके घर पे रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। आज मैंने सोचा आज मैं एक छोटा सा व्लॉग बना के डाल देती हूँ, अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, 2-3 दिन से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, शायद हेड मसाज करूँगी तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो अभी तो मैं ऑयलिंग करने जा रही हूँ गाइस, फिर आगे देखते हैं, जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सर में तेल खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था तेल लगाने। वैसे तो मैं मतलब कुछ टाइम से ही मैंने ऑयल लगाना स्टार्ट किया है सर में, पहले मेरे बाल छोटे थे और मुझे ऑयल लगाना बिल्कुल भी मतलब पसंद ही नहीं आता था, वो ऑयल पूरा यहाँ से मतलब फेस पे आ जाता है। घर वाले, मम्मी लगाती थी, फिर घर वालों का तो पता ही है, मम्मी बिल्कुल वैसे कोली भर भर के सर के अंदर तेल डाल के मालिश करती थी, तो वो तेल पूरा यहाँ आ जाता था मेरे फेस पे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे पिंपल्स होने लग गए थे। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने ऑयल लगाना ही बंद कर दिया था। तो अभी कुछ टाइम से मैंने हेयर बढ़ाने स्टार्ट किया, अभी इतने ज़्यादा बड़े तो हेयर नहीं है, बस जो भी हैं थोड़े बहुत, खुद से ही हेड मसाज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और से मसाज करवाती हूँ तो वो मेरे बालों के ऐसी बैंड बजा देता है ना, मतलब इतने ज़्यादा मेरे बाल कभी नहीं टूटते होंगे जितना, मतलब इतनी बुरी तरीके से उलझ जाते हैं बाल की, जब मैं कॉम करती हूँ तो इतने पूरा ऐसे पूरे गुच्छे में मेरे सर से बाल निकलते हैं। वैसे मुझे हेयर फॉल वगैरह होता नहीं है, टचवुड, बालों की क्वालिटी भी मेरी काफ़ी अच्छी है, हो गई है मतलब पहले से, तो मैं इसलिए मैंने ऑयलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है बालों में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही मसाज करूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से और धीरे धीरे संभल संभल के अपने बालों में अपने हिसाब से हेड मसाज करती हूँ, उससे मेरे बाल ज़्यादा उलझते भी नहीं, और जब बाल उलझते नहीं है तो फिर टूटते भी नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर बालों में ऑयल रख के उसके बाद मैं सर को वॉश कर दूँगी अभी, और मतलब मुश्किल से 2-3 घंटे मैं रखने वाली हूँ सर में ऑयल, उसके बाद मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि
ज़्यादा देर रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, 2-3 घंटे इनफ होते हैं बालों में तेल रखने के लिए। और जितना भी ऑयल बालों के लिए ज़रूरी होता है, 2-3 घंटे में बाल उतना ऑयल ले लेते हैं, तो उसके बाद हम वॉश कर सकते हैं। अगर आप पूरी रात रखो चाहे आप 3-4 घंटे रखो, वो बराबर ही होता है। तो इसलिए मैं यूजुअली मैं 2-3 घंटे तेल लगा के और फिर मैं वॉश कर देती हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मतलब 2-2, 3-3 बारी शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर में। तो बस अभी मैं नहाने जाऊंगी सर धुल के, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर। गाइस दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस जहाँ पे मैं हमेशा बैठती हूँ। अगर पूरा दिन देखा जाए तो पूरे दिन में से हाफ से भी ज़्यादा दिन जो होता है वो मेरा यहाँ पे निकलता है नो, जहाँ पे मैं बैठ के हमेशा वीडियो बनाती हूँ या फिर आप लोगों से बात करनी होती है, कुछ भी वीडियो क्लिप बनानी होती है, मतलब कुछ भी शूट करना होता है, वो मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फेवरेट कुशन है, ये मैंने खुद से बनाया था गाइज। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो मैं इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं इसको बनाना तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख के आराम से इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा टेडी भी है, इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है, इसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए ये स्टार की शेप में है पूरा इस तरीके से, और इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से रखा है, यहाँ पे डार्क ब्राउन है, वाइट है, देन ग्रे है, देन यहाँ पे इसको बोलते हैं डार्क ग्रे, या फिर आप जो ऐश का कलर होता है ना उस टाइप का भी है, जो राख वाला कलर होता है वैसा भी कुछ है ये। तो ये मैंने मिक्स करके बनाया था और ये बहुत ही सुंदर लगता है। दोनों साइड से मैंने बनाया है इसको, एक साइड ये वाला बनाया था, एक साइड ये वाला बनाया था, और फिर इन दोनों को यहाँ से जोड़ के पूरा, और फिर इसके अंदर मैंने एक दूसरा कपड़े का कुशन लेके उसके अंदर रुई भर के इसको कवर लगाया, ये वाला कवर ऊपर से लगाया। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा कुछ बनाना अपने घर के लिए, जैसे कि सब लोग घर पे खाली बैठे हुए हैं, टाइम पे इतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो करते ही हैं, और उनको चाहिए भी होता है कि हम लोग खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहें, तो मैं इस वाली कुशन का जो लिंक है वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ जाके इसे बना सकते हैं। और प्लीज़ मुझे टैग कीजिए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सर तो मैंने धुल लिया है, लेकिन अभी मेरे बाल गीले हैं इसलिए मैं छत पर आई थी बाल सुखाने के लिए, क्योंकि बाल गीले रहेंगे, ऑलरेडी मेरे सर में दर्द हो रहा था, अगर बाल गीले रहेंगे तो मेरा सर और दर्द करने लगेगा, और अभी पहले से काफ़ी ठीक है, काफ़ी रिलीफ है सर दर्द में भी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं, थोड़ी देर घूम लेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे, तो आप लोग भी घूम लीजिए। देखिए हमारी कॉलोनी है, अभी कॉलोनी हमारी नई कॉलोनी है इसलिए बन रही है, यहाँ पे सब जितने भी प्लॉट थे सब में काम लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा घर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत दूर दूर घर हैं, लेकिन अब बन रहे हैं, थोड़े टाइम आने में 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी कॉलोनी बन जाएगी। तो इसलिए मैं छत पे आई थी कि चलो बाल भी सुखा लूँगी और थोड़ा आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो जाएगा, आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ा। मौसम बहुत सही हो रहा है, मेरे बिल्कुल सामने सनसेट हो रहा है और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये जंगल है, मतलब वैसा जंगल नहीं है कि ख़तरनाक जंगल है, जानवर रहते होंगे यहाँ पे, ये जंगल है फॉरेस्ट का कुछ एरिया यहाँ पे पड़ता है IMA से लगा हुआ, तो ये उनके जंगल हैं, वैसे जानवर वगैरह कोई है नहीं यहाँ पे, बट हाँ शांति बहुत है और फ्रेश हवा मिलती रहती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है इधर। हम आ चुके हैं ऊपर से नीचे, ऊपर मतलब छत से और नीचे, वहाँ ऊपर से नीचे, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आज ये सुबह से क्या कर रही है, आज मैंने सुबह से उठ के इतना काम किया है, नहाई धोई, खाना बनाया, साफ सफाई की, और ये सुबह से ऐसे ऐसे ही पड़ी हुई है। कुछ नहीं बोलना, आज बस बहुत लो मैं फील कर रही हूँ, मन नहीं हो रहा मेरा उठने का, इसलिए मैं इधर ही हूँ।
तो इसकी हम वीडियो नहीं बनाएंगे आज। जो इंसान लो लो फील करता है उसे लो ही रहने दो। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, मिलते हैं आपसे डिनर के बाद। तो रात के 10 बज चुके हैं और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। डिनर हमारा हो गया है, अब मैं जाऊँगी और वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर।